This is the future. Evolution. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, अभी से जो कुछ प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं और आप लोग दबा कर लाइक ठोक रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही उसमें बहुत ही अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, 7K लोगों ने, मतलब 7000 लोगों ने पिछले वीडियो को देख लिया है, ठीक है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे तगड़े प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आसपास थोड़ी हवा चल रही है, क्योंकि यार बारिश पड़ी है तो हवा तो चलेगी, ठीक है। तो चलिए, से आज का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही कमाल का है गाइज। वैसे तो विंटर सीजन आने ही वाला है, ठीक है, ठंडी वगैरह आप थोड़ी थोड़ी लगती है, लेकिन इस वक्त भी ऐसा नहीं है, अगर मौसम धूप वाला किया है तो गर्मी लगने लग जाती है उस दिन में, ठीक है। तो मैं सोचा कि चलो जाते जाती जो गर्मी हमारी है उसमें हम एक गर्मी का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि आपको वैसे तो रूम में बैठे बैठे तो इस वक्त गर्मी नहीं लगती होगी, कईयों को लगती भी होगी, कई जगह होती होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ गया हूँ जिसे आप हेडफोन की तरह गले में लटका कर कहीं भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा फैशनेबल सा भी लगेगा और लोग आपसे एक बार पूछेंगे जरूर कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है। साथ ही से आप अपनी मम्मी या अपनी दीदी सिस्टर को दे सकते हो जो रसोई में काम करती है, क्योंकि वहां पे कोई पंखा तो लगा नहीं सकते, खाना कैसे बनेगा फिर, ठीक है। तो वो अपने गले में टांग कर आराम से 1 या 2 घंटे तक खाना बना सकते हैं, ठीक है, उनको कोई गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। और इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ ध्यान रखने की कोशिश की है, बिल्कुल साइलेंट है, जरा भी आवाज नहीं करता, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, इस तरह के वीडियो पहुंचेगी ही नहीं अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखते हैं कितने लाइक करते हो आप लोग, कोई टारगेट नहीं है, फुल लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमेशा की तरह अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। नीचे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पीवीसी शीट रखी हुई है, जो कि हमारा मेन मटेरियल रहता है हमेशा। तो गाइस, वीडियो में पूरा बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मोटर चूज कर लेते हैं कि कौन सा ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मोटर्स है, देख सकते हो, ज्यादा नहीं है और जो भी वो पुराने ही हैं। तो हम हमेशा पुरानी चीज़ों का यूज करते हैं ताकि आपको भी सहूलियत हो कुछ बनाने में। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा मोटर सही रहेगा, हम जल्दी से चूज कर लेते हैं अपने काम के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मोटर है जो कि 6 वोल्ट से भी चल जाता है और काफ़ी इसके आहार पे हम हाई होते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन हैवी है ये वाला मोटर। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे अपने गले में लटका कर घूमना है, तो ज़्यादा हैवी हम नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो ये वाला तो हमने रिजेक्ट कर दिया, और ये तो रिजेक्ट हो ही जाएगा कि उससे भी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। और यहाँ पर ये मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, लेकिन ये मोटर फिलहाल जो इस मोटर की कॉइलिंग है ये बहुत कमज़ोर है, तो ये मोटर भी काम नहीं आने वाला है, इसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसकी RPM भी लो ही है, तो यहाँ पे ये भी काम नहीं आएगा। तो गाइस, अब बात आती है इस मोटर की, जो कि हमारे नॉर्मल टॉयज़ में इस तरह के बहुत सारे मेरे पास भी अवेलेबल है, देख सकते हो। ये वाले मोटर बहुत सारे टॉयज़ में आपको मिलेंगे, लगभग सभी टॉयज़ में यही वाले मोटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटर होते हैं इसके RPM काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, टॉयज़ वगैरह में से निकलते हैं। और ये मोटर भी हल्का है, मीडियम पे है, उतना भी भारी नहीं होता, ज़्यादा हल्का भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होना चाहिए। और आपको पता है कि जब ये चलता है तो इसके RPM बहुत ज़्यादा हाइट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है चलते वक्त। तो हमारा प्रोजेक्ट जो मैं साइलेंट रखना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि इसकी हवा बहुत तेज़ रहेगी तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि हमें एक सुकून भरी हवा चाहिए, ज़्यादा तेज भी नहीं चाहिए कि आवाज़ हम डिस्टर्ब हों उससे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन भी बहुत क्रिएट करेगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करेगा, तो मैं इसको भी रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको रख लो अगर आपको तेज़ हवा चाहिए तो, ठीक है। फिलहाल मैं साइलेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला मोटर। इसके RPM तो लो होते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको तेज़ हवा चाहिए तो आप ऑब्वियसली इस मोटर का यूज़ कर लेना, ठीक है। मैं इसका इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होते हैं और हल्के भी होते हैं, तो वो इसलिए इसका भी यूज़ कर रहा हूँ। और इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है, देख सकते हो, इतना छोटा साइज़ है इसका। तो आप चाहो तो इसका यूज़ कर लेना, लेकिन मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो चलिए, हमने मोटर तो चूज़ कर लिया और अब बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, मोटर तो हमने चूज़ कर लिया, अब आती है बारी फ़ैन चूज़ करने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले फ़ैन आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे अपने लोकल मार्केट में, ठीक है। भले मेरे यहाँ तो यही बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, बल्कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है,
तो ये आपको अपने मार्केट में आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये वाले जो फैन है, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ये फैन हवा देने वाले नहीं है, ये हवा इनसे नहीं आती है, ठीक है। तो ये बात मुझे पता है कि इससे हवा नहीं आती है, लेकिन आज हम इसको कुछ उस तरह का बनाने वाले हैं, कुछ मॉडिफाई करेंगे इसमें, जिससे इससे हवा आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले ही मैंने इसको कई वीडियो में मॉडिफाई करके यूज किया है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो कि इस फैन से हवा नहीं आती है। लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगा करके कि इसको मैं किस तरह से मॉडिफाई करने वाला हूँ, ताकि इससे हवा ना शुरू हो जाए। और आप चाहो तो दूसरे फैन इस तरह के आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे, पर मेरे मार्केट में यही वाले फैन बहुत मुश्किल से अवेलेबल हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो दूसरे फैन का यूज कर सकते हो जो इससे बेटर हवा देते हो, लेकिन हम फिलहाल इसको मॉडिफाई करने वाले हैं, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हम मॉडिफाई ये करने वाले हैं कि ये जो नुकीला पार्ट है, देख सकते हो चारों तरफ, इस पार्ट को नीचे की तरफ थोड़ा सा और कर देंगे झुकाकर। हीट करेंगे पहले गैस में और फिर इसको प्लास से और थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे ही टूट सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हीट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास दो पंखे हैं, ठीक है। इसमें से एक को मैंने अभी आपके सामने मॉडिफाई किया है। अब मॉडिफाई यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एक करके आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि मॉडिफाई करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये सैंपल पंखा जो हो गया, ठीक है, बिल्कुल जो पहले जैसा है। और यहाँ पे मॉडिफाई हमने क्या किया है कि ये जो चोंच वाला एरिया है सारे पंखे का, यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा सा अभी ऊपर की साइड में हमने इसको नीचे कर दिया है। यहाँ पे देख लो इस पंखे में किस तरह से किया हुआ है, इसको हमने नीचे की तरफ कर दिया इस वाले चोंच को, देख सकते हो इस तरह से, जिससे हवा को काट कर ऊपर साइड पे फेंक सके, ठीक है, इसलिए हमने इसको मॉडिफाई किया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, पहले इसको नहीं करेंगे, इसको अभी मॉडिफाई किया है। और ये विदाउट मॉडिफाई वाला है, ये पहले वाला पंखा है नॉर्मल, ठीक है। तो देखते हैं इसकी हवा कैसी है और फिर हमारा मॉडिफाई वाले को भी टेस्ट करेंगे मॉडिफाई करने के बाद कैसी हवा दे रहा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है, ये नॉर्मल वाला पंखा जिसको हमने मॉडिफाई नहीं किया है। तो अब मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कागज़ का कुछ इस तरह का बना लिया है, तो अब हम इसको उड़ाकर दिखाऊंगा आपको। तो ऑलरेडी यहाँ पे हवा वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ज़रा सही से टेस्ट कराने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हो इस वक्त कुछ इस तरह की हवा आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरह की, मतलब कि काफ़ी कमज़ोर हवा कह सकते हो, देख सकते हो कुछ इस तरह की हवा आ रही है। इसको हटा दूँ तो इस तरह से, और इसको लगाने के बाद कुछ इस तरह की हवा आ रही है। तो अब टेस्ट करते हैं कि मॉडिफाई वाला किस तरह की हवा दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मॉडिफाई वाला पंखा हमने लगा दिया है, निशान भी देख सकते हो मॉडिफाई करने के पड़े हुए हैं इस पर। तो यहाँ पे अब मैं इसको चलाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको चला देता हूँ और इससे काफ़ी सही हवा आ रही है, इससे तो काफ़ी बढ़िया है। और आप देख सकते हो अब कागज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से उड़ा है, क्योंकि इससे काफ़ी सही और काफ़ी शांत है, आपको इसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही होगी, इसलिए मैंने ये वाला मोटर चूज़ किया है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और आप अगर वो वाला मोटर लगा देते हो तो आरपीएम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसकी हवा बहुत तेज़ हो जाएगा, लेकिन वो शोर करेगा। तो यहाँ पे जैसे तो दोनों में अंतर आपने देख लिया होगा कि किसकी हवा ज़्यादा तेज़ है। तो मॉडिफाई करने के बाद कुछ यही चेंजेस आते हैं पंखे में। तो यहाँ पे अब ये यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। गाइस मैंने कुछ इस तरह का बना लिया है पीवीसी शीट को हीट करके, आपको जैसा कि मैंने दिखाया था, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया। वो उतना इक्वल गोल नहीं बन पाया है क्योंकि ये गर्म होता है तो इसको पूरा सरफेस से टच हो जाता है कहीं कहीं से। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का ये है, लेकिन इसमें हमारा काम बन जाएगा। अगर आपके पास कुछ इस साइज का पाइप है, जैसे कि 2.5 इंच का है, ठीक है, तो 2.5 इंच वाला अगर आपके पास पाइप है तो आप डायरेक्टली उसको काट के कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का हमने इसे अपने खुद हाथ से बनाया, इसलिए कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हमें इसके अंदर इस तरह से इस मोटर को फिट करना है और फिर इसके बाद इस फैन को इस तरह से अंदर लगाना है। तो चलिए इस मोटर को यहाँ पे फिट करने का जुगाड़ करते हैं। गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह के दोनों बना लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये मोटर मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है। अब हम इसके अंदर इस तरह से फैन को लगा सकते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें मेन हैं, इम्पॉर्टेंट ही, तो ये दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। और इसे तो मैंने आपको पता है किस तरह से बनाया है, और इसके अंदर आप मोटर फिट करेंगे और इसी तरह से इसमें फ़ैन लगा देंगे। तो ये दोनों तो रेडी हो चुका है, और हमें दिन में फ्लैश लाइट का यूज़ करना पड़ रहा है। इस वक्त 2:30 बज रहे हैं दिन के, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि यहाँ पर अंधेरा हो गया है। देख सकते हो उधर रोशनी है यहाँ पर, लेकिन मुझे फ्लैश लाइट का यूज़ करना पड़ रहा है। सोच सकते हो आप, मौसम बिल्कुल ख़राब है आज। कुछ उम्मीद नहीं कि ये वीडियो कंप्लीट होगी, लेकिन फिर भी करते हैं। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, और जैसे कि कल मैंने कहा था बारिश पड़ रही है, और आज भी बारिश ही पड़ रही है। तो मैं बाहर का वर्किंग टेबल छोड़कर अंदर आ चुका हूँ, और देख सकते हो कल हमने यहाँ तक वीडियो को बना लिया था। जैसे कि देख सकते हो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बनाकर दिखा दी थी, और अब हम इसे हेडफोन ऐसा यहाँ गले में लटकाने के लिए उसका भी जुगाड़ करते हैं, उसको भी बनाते हैं। तो चलिए आज उसका काम करना है, और आज इस वीडियो को कंप्लीट कर देना है। गाइस कुछ इस तरह का स्ट्रिप बना लिया है, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से गले में लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारे ये फैन है दोनों, एक साइड इस साइड और एक इस साइड, फिट करने का जुगाड़ बनाना है, कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से बनाना है इसको। गाइस इस तरह से मैंने इसको मोड़ लिया है, अपने जैसे गर्दन जो है उसके साइज का बना लिया है मोड़ कर, ठीक है। इस तरह से आपको भी कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के दो पीसेस को मोड़ लिया है हीट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से इसको चिपकाना है, दोनों साइड में कुछ इस तरह से लगाना है। तो चलिए इसे चिपका लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसे तो कुछ इस तरह से इसको चिपका लिया है यहाँ पे, और अब हम इन दोनों नट बोल्ट से, छोटे वाले नट बोल्ट जो देख रहे हो यहाँ पे, इसको इससे फिक्स करने वाले हैं, और यहाँ पे इसको इस तरह से फिक्स करने वाले हैं। तो चलिए इसमें जल्दी से होल कर लेते हैं, और नट बोल्ट से इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरह से हमने इसको बना लिया है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया समझो, और अब बस कनेक्शन बचे हुए हैं, और बैटरी वगैरह लगाना है, चार्जिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है, और बटन वगैरह लगाना है। उसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए वो सारे काम भी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है, जैसे कि आपको पहले भी दिखा दिया है। यहाँ पे मैं एक मोबाइल की बैटरी का यूज़ करने जा रहा हूँ, छोटी सी मोबाइल की बैटरी आपको यूज़ करना है, मैं भी छोटी सी ही यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि इसका बैकअप थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपको पता है कि ये मोटर भाई ज़्यादा बिजली लेते नहीं है, बहुत ही कम पावर में चल जाते हैं, तो ये बहुत ही कम बिजली लेने वाले हैं, तो इससे भी काफ़ी टाइम तक ये चल जाएंगे। साथ ही रिचार्जेबल होगा, तो आप डायरेक्ट चार्जर से भी लगा के यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या फ़ायदा, बैटरी इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि बैटरी से हम यूज़ कर सकें, ठीक है। और वैसे भी ज़्यादा देर तक तो हम इसका यूज़ करेंगे ही नहीं ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर स्विच ऐड करूँगा, और यहाँ पर बैटरी ऐड करूँगा, यहाँ पर एक प्रॉपर बॉक्स ऐसा भी बनाएंगे इसको, और यहाँ पे हम चार्जिंग सिस्टम ऐड करने वाले हैं। तो बस वीडियो में बने रहना, मैं सबसे पहले बैटरी को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बॉक्स टाइप का बना दिया है, पीछे से नहीं कवर किया है, ठीक है, इसी तरह से छोड़ दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बस हमें आगे लुक दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मेरे पास कलर नहीं है, स्प्रे पेंट नहीं, तो हम इसे स्प्रे पेंट कर सकते थे, आपके पास है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं दो वायर्स निकाल दिए, और अब यहाँ से बाहर से कनेक्शन करेंगे, दोनों मोटर के कनेक्शन करेंगे, और साथ ही स्विच भी लगाते हैं, इसमें स्विच भी लगाते हैं, और साथ ही चार्जिंग सिस्टम भी इसमें ऐड करते हैं। बस यहाँ पे हमने स्विच लगा लिया है, देख सकते हो, और बैटरी ऊपर लगा चुके हैं। अब यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट और उसका इंडिकेटर लगा लेंगे,
फिलहाल लाइट भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन अपलोड तो इसको आज ही कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ये हो चुका है और अब इसमें जल्दी से कनेक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो इसकी हवा भी इस वक्त काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, इस तरह की कुछ हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा शांत है, देख सकते हो बिल्कुल शांत प्रोजेक्ट है। और इसकी टेस्टिंग वगैरह मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। और गाइज एक चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया जो कि चार्जिंग सिस्टम था, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम ऐड होता और यहाँ पे इंडिकेटर लगता, तो यहाँ पे लगभग सब चीज़ें हो चुकी है, लेकिन शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज रहे हैं और इस वीडियो को एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज ये वीडियो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फ्लैश लाइट ऑन करके रूम में वीडियो बना रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, कुछ तो तरस खाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए यार अब मैं आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ। चार्जिंग सिस्टम लगाना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ भी चाहे तो चार्जिंग सिस्टम आप लगा सकते हो। तो चलिए अब आपको टेस्टिंग दिखाते हैं। गाइज आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइज में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और इसको मेरे हिसाब से आप इसमें पेंट कर सकते हो, ठीक है, जैसे स्प्रे पेंट कर सकते हो, इस तरह से इसको घुमा सकते हो ऊपर या नीचे, अगर आप इसको इस तरह से हवा खा सकते हो आराम से, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही इसको नीचे भी कर सकते हो, अगर आपको नीचे साइड हवा भेजनी है, इस तरह से आपको कहीं भी आप हवा खा सकते हो, ठीक है, तो इसको नीचे की साइड भी घुमा सकते हो इस तरह से और आराम से हवा खा सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट उम्मीद है आपको पसंद आया, अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लेना, ठीक है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतने, तब तक ले गुड बाय।